मायावती के घर बजने वाली है सहनाई। आपको बता दें कि मायावती के छोटे भाई आनंद के लड़के आकाश आनंद की शादी होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी की जानी मानी नेता, या फिर आप यूं कह लीजिए कि संस्थापक भी, क्योंकि काशीराम के बाद उन्हीं का नाम चर्चाओं में रहा है। आपको बता दें कि बसपा जब से सक्रिय हुई है, मायावती एक चर्चित चेहरा रही हैं। आखिरकार उन्हें कौन नहीं जानता, और बहुजन समाज के लोग तो उन्हें बेहद प्रेम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार आकाश आनंद हैं कौन। तो आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, जिनकी शादी 26 मार्च को गुरुग्राम में होने वाली है। गुरुग्राम में और मायावती के घर पर बजना शुरू हो चुकी हैं सहनाइयाँ। मेहंदी की रस्मों की तस्वीरें तो लगातार सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन जानने को उत्सुक भी हैं कि आखिरकार आकाश आनंद की शादी किससे होने वाली है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार आकाश आनंद की शादी किससे होने वाली है, और उनकी मुलाकात किससे कब हुई थी। जिनसे उनकी शादी होने वाली है, उनका नाम है प्रज्ञा सिद्धार्थ। जी हाँ, प्रज्ञा कोई नया नाम नहीं है, बल्कि जाना माना नाम है। और सिद्धार्थ ये नाम तो अगर आप बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं तो बखूबी सुना होगा। सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ, जो कि पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और बीएसपी में एक बड़ी भूमिका, उन्होंने अहम भूमिका अदा की है। करीबी रहे हैं मायावती के, परिवार की सदस्य की तरह ही उन्होंने पार्टी को खूब प्रेम दिया। और जाहिर तौर पर मायावती के एक बार कहने से उन्होंने जो है अपनी नौकरी छोड़कर वो राजनीति की तरफ बढ़ चले थे। आपको बता दें, अशोक सिद्धार्थ जो कि आए दिन जब बहुजन समाज पार्टी की बात होती थी, राजनीति की बात होती थी, तो बीएसपी की तरफ से बोलते दिखाई देते थे। अशोक सिद्धार्थ जो कि पेशे से पहले डॉक्टर थे, हालांकि वो अभी भी डॉक्टर हैं, लेकिन उनका राजनीति में एक बड़ा कार्यकाल रहा है। उन्हीं की लड़की है प्रज्ञा सिद्धार्थ। जी हाँ, प्रज्ञा सिद्धार्थ की शादी होने वाली है आकाश आनंद से। आनंद जो कि मायावती के सबसे छोटे भाई हैं, उन्हीं के लड़के की शादी जो कि धूमधाम से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल हो रही है। आकाश आनंद और प्रज्ञा सिद्धार्थ की मुलाकात तो पहले भी हुई होगी, लेकिन प्रेम प्रसंग लंदन में हुआ था। आपको बताना चाहूँगी कि आकाश आनंद ने पढ़ाई में MBA किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा सिद्धार्थ ने MBBS किया है और वो अब MD भी कर रही हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर फील्ड में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा तबका होता है, एक सपना होता है। प्रज्ञा पढ़ने में शुरू से ही होनहार थी, और आकाश आनंद की अगर मैं बात करूं तो जब रैलियां लगातार निकलती हैं, मंच पर BSP का आयोजन होता है, तो आकाश आनंद की तस्वीरें खूब वायरल होती हैं। विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और यही नहीं, सोशल मीडिया पर आकाश आनंद खूब एक्टिव नज़र आते हैं और BSP की तरफ से बेबाकी से बोलते भी हैं। BSP भी अब सोशल मीडिया के ट्विटर से लेके YouTube, इंस्टा, फेसबुक, हर कहीं जो है अपने विचार साझा करती है। मायावती की सरकार में BSP में वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आकाश आनंद को पूरा BSP का नेशनल कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। आपको बताना चाहूंगी कि इस शादी से मायावती बेहद खुश हैं। जाहिर तौर पर जो पहले दोस्त थे, जो मित्रता थी, अब वो रिश्तेदारी में परिवर्तित होने वाली है। आकाश आनंद और प्रज्ञा सिद्धार्थ की मुलाकात लंदन में हुई, दोनों ने साथ में ही पढ़ाई करी और वहीं दोनों को प्रेम हो गया। जब वो घर वापसी आए तो उन्होंने ये बात अशोक सिद्धार्थ ने मायावती को बताई और उनके पूरे परिवार को। परिवार तो पहले से ही सहमत था, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ को तो सभी कोई जानता था। अशोक सिद्धार्थ का राजनीति में एक लंबा कार्यकाल भी रहा है। मायावती भी आकाश आनंद अपने भतीजे से बेहद प्रभावित थी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई, उससे मायावती बेहद प्रसन्न थी। और मायावती अब बेहद हर्ष और उल्लास से जो है सभी को आमंत्रण भेज रही हैं। आपको बताना चाहूंगी कि 26 मार्च को होने वाले शादी में
तमाम लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन वो कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो बीएसपी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ खासा लोगों को निमंत्रण दिया गया है। विपक्षी दल से भी तमाम नेता आपको देखने को मिलेंगे। मायावती खुद जाकर आमंत्रण दे रही हैं सबको, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती कितनी उत्सुक है। उनके परिवार में शादी के समारोह पर चारों तरफ हर्षोल्लास का जश्न मनाया जा रहा है। मेहंदी की रस्में मनाई जा रही हैं, हल्दी की वीडियोस वायरल हो रही हैं और सभी लोग प्रज्ञा सिद्धार्थ और आकाश आनंद को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। पूरी खबर के बारे में और हम भी पूरी टीम की तरफ से आकाश आनंद और प्रज्ञा सिद्धार्थ को उनकी शादी की मुबारकबाद देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो साथ में ऐसे ही संगठित रहें। और बहुजन समाज पार्टी भी सक्रिय रहे राजनीति में, और एक बतौर जैसा कि वो पहले भी उनका कार्यकाल दमदार रहा है, वही उम्मीद करता है जनता भी, और जाहिर तौर पर जनता की प्रतिक्रियाएँ भी। पूरी खबर के बारे में आप लोगों की राय जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।